अक्सर ऐसा होता है जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो कई बार दिया बुझ जाता है। कहते हैं अगर पूजा में दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है, इंसान के साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। पर सवाल है, क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम? सच या भ्रम, आज इस स्पेशल वीडियो में हम यही जानकारी देंगे। आपके सामने धार्मिक मिथ्यों का सच रखेंगे, साथ ही साथ आरती और दिया जलाने के संबंध में सही और सटीक जानकारी भी देंगे। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा कर्म के दौरान दीपक बुझ जाए तो ऐसा माना जाता है कि जिस मनोकामना के लिए पूजा की जा रही है उसमें अवश्य ही कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से माफ़ी मांगने पर वो ज़रूर क्षमा कर देते हैं। तो आपको बस यही करना है, अगर गलती से या प्राकृतिक तौर पर दिया बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए दोबारा दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। साथ ही जिस कार्य के लिए पूजा की जा रही है उस कार्य को करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपने अभी जाना कि पूजा का दीपक बुझने पर घबराना नहीं है, बल्कि भगवान से माफ़ी मांगते हुए दोबारा दीपक जलाना है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं आरती से जुड़ी कुछ खास बातें। आरती के लिए दीपक तैयार करते समय ध्यान रखें कि दीपक में पर्याप्त तेल या घी भरा जाए। दीपक की बत्ती जो कि रुई की बनाई जाती है वो भी अच्छे से बनाना चाहिए। देवताओं के घी का दीपक अपनी बाई और तेल का दीपक दाई ओर लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती लगाएं और तेल के दीपक के लिए लाल बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें दीपक कहीं से खंडित या टूटा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर पूजा के समय दीपक की लौ दाहिनी तरफ झुकती हो तो ये शुभ फल मिलने का संकेत है। तो वहीं दीपक की लौ का रंग अगर ज़्यादा नीलापन लिए हुए हो तो पूजा का शुभ फल कम हो जाता है। पूजा में दीपक की लौ अस्थिर हो तो फिर भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये संकेत अनावश्यक व्यय होने का भी है। दीपक की बड़ी लौ का इशारा आपके हर काम पूरे होने की तरफ होता है। दीपक की लौ अगर स्थिर, बड़ी और एक समान होती है तो समझना चाहिए कि आप पर बहुत जल्दी लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली है। अगर आरती करते समय दीपक बुझ जाता है तो अपशगुन माना जाता है। तो ये था आरती और दीपक से जुड़ी जानकारी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे पेज कुंडली टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।